नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है अशोक राजपथ, और ये अशोक राजपथ जो है सीधे चले जाते हैं मारूगंज, मानसलामी, दीदारगंज। ये इधर चला जाएगा चौक नई सड़क, और सीधे चले जाएगा पट्टा साहिब रेलवे स्टेशन पट्टा जंक्शन। यहाँ आने का मकसद है, पर्व है लोक आस्था का महान पर्व है छठ पूजा। लेकिन छठ पूजा से सबसे, वो तो चलता ही रहेगा, चार दिनों का अनुष्ठान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है एक ऐसा ही स्थान है इसे अशोक राजपथ के पास बीचों बीच, इसके पीछे देखिएगा तो डाकघर है। यहाँ जब देखिएगा तो माता रानी काली का एक असीम कृपा है। ये कृपा इसलिए है कि अगर आप खाली आएंगे, मांगेंगे कुछ मैया से, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। कब से काली जी यहाँ से स्थापना हो रही है, तमाम चीज़ों से, और यहाँ का जो कार्यकर्ता जो देख रहे हैं वेशभूषा में है, इसका मतलब है कि पूजन यहाँ पर अभी लगातार चल रहा है, काफ़ी उत्साहित माहौल है। जब देखिएगा तो काली जी विशाल है और एक कृपा है, लोगों पर एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। तमाम लोग, कोई भी गाड़ी वाले आते हैं तो यहाँ पर दर्शन करना नहीं भूलते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं। जी बताइए, काली माता कब से है? ये लगभग 2002 से यहाँ स्थापित है। इस यहाँ जो स्थापना हुई वो इंद्रदेव राय उपलक्षपति के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद तदंतर लगातार लगभग 22 वर्षों का यह सफ़र हम लोग का रहा है, और हर साल कुछ नया हम लोग करने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि मैया हम लोग की पूरे मोहल्ले वासियों की, पूरे नगरवासी, पूरे पटनावासी, पूरे बिहार वासियों का उत्थान करें, मंगल कामना करें। चलिए बहुत अच्छा, आप बताइए, आप तो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, क्या है असीम कृपा माता का? माता का तो असीम कृपा कि कोई भी आदमी यहाँ आते हैं और मन से इच्छा से अगर मांगते हैं तो उनका पूरा हो जाता है। एक आदमी का पूरा भी हुआ है, एक आदमी 150 किलो काजू का बर्फी बटवाया 3 दिन पहले। कृपा है जी, बिल्कुल कृपा है, बिल्कुल कृपा है। हम सब लगे रहते हैं, सभी कार्यकर्ता दिन रात मिल के सब देखते हैं करते हैं, तो लोग अच्छे अच्छे अब जुड़ भी रहे हैं हमारे साथ, आगे भी जुड़ेंगे। वो मैं काली माता का पुजारी हूँ, जो पूजा करता हूँ सुबह शाम, माता की आरती करता हूँ, इसलिए मैं अपना ड्रेस चेंज कर रेड कलर करता हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बस माता का कृपा बहुत है हम सब पे, माता रानी का कृपा है, और यहाँ का कार्यकर्ता जो है तन मन धन से हमेशा तत्पर है। जब बाहर का दृश्य देखिएगा तो एक अलौकिक दृश्य आपको नजर आएगा, चाहे डेकोरेट के मामले में हो या फिर लाइटिंग के मामले में, तो आप भी आए। लेकिन आने के पूर्व यहाँ पर आएंगे तो सच्ची मांगे मांगना माता रानी से मांगे, उनकी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा इन लोग का मानना है कि जो भी माता रानी से मांगते हैं, कुछ लोग का भला भी हुआ है, उस भला का नतीजा है कि आज ये तमाम तरह के डेकोरेट खूबसूरत पंडाल है, माता रानी की एक कृपा है। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।